देखिए कितने बढ़िया बात कर रहे हैं, भक्ति भक्ति को बोल रहे हैं। भक्ति, आप श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करिए। कहने का मतलब यह है कि भक्ति पूर्वक जब आप भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं तो उनके स्मरण करने से स्मरण दुखम गमिष्यति, यदि कोई दुख आपके जीवन में आ रहा होगा और भगवान का स्मरण करने से वो दुख आता हुआ भी आपका वापस लौट जाएगा, दुखम गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति। जब श्री नारद जी ने वेद के, उपनिषद के, गीता के मंत्र और पाठ किए, फिर भी तीनों को चेतना युक्त नहीं कर सके, तो आकाशवाणी हुई थी कि तुम सत्कर्म करो। तो अनेक तीर्थों में गए थे श्री नारद जी महाराज, और कहीं भी प्रश्न का उत्तर जब नहीं मिला तो पहुंचे थे बद्री नारायण, और बद्री नारायण में जाकर के वहां सनत कुमारों से इसका उत्तर मिला। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आप यदि तीनों को सुख प्रदान करते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है, सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद भागवतालाप शतुगीत शुकादिभिः। ये श्रीमद भागवत की जो कथा है ये सत्कर्म है। तो आप तीनों को भागवत सुनाइए। बोले कहां पर सुनाई जाए? तो बोले यहां से थोड़ा नीचे एक स्थान है जिसका नाम है, देखो बात हो रही है कहां, बद्री नारायण। यहां से थोड़ा नीचे चलते हैं, वो पवित्र स्थान है हरिद्वार, और हरिद्वार में भी एक पवित्र स्थान, एक तट है गंगा का जिसका नाम दिया है आनंद। कृष्णो नारद वक्षामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाकम्। यहां से थोड़ा नीचे एक पवित्र स्थान है, आनंद तट है हरिद्वार में, उस पर बैठ करके हम आपको भागवत सुनाएंगे। तो सनत कुमार गदगद हो गए, नारद जी भी प्रसन्न हो गए, बोले महाराज बिना आपके जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा, आप ही सुनाइए ना। तो सनत कुमार को लेकर के नारद जी आए हरिद्वार में उस आनंद तट पर, और बैठते ही नारद जी ने कहा कि सदा से ब्यास श्रीमद भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समासये। कहते हैं जब जब जितनी बार भी कथा सुनने को मिले, जैसे आप लोग, आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो मैंने कहा था कि भाई बहुत ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक में फंस गए थे, जाम लगा हुआ था, लगा था ना। तो जैसे आप जाम में फंस जाते हो ना, बस ऐसे ही भागवत की कथा इतनी सुनो जब जब सुनने को मिले। बोले इतनी कथा सुन करके अपने हृदय में भी जाम लगा दो, कृष्ण फंसे ही पड़े रहे। बोलो श्री अल्लाह, कथाओं का जाम लगा जो निकल ही ना पाए प्रभु, यही बात कही जा रही है श्लोक में। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, जो बार बार इस कथा को सुनता है उसके हृदय से कभी परमात्मा नहीं निकलते, उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो उस समय भक्ति के कानों में जब भागवत की महिमा पहुंची वृंदावन में, भक्ति ही सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति नृत्य करती हुई गाती हुई वाणी को पवित्र करती हुई आइए हम लोग भी चलें और उस आनंद तट की ओर जरा दोनों हाथ उठाए। Thank you.
Thank you.
राधे राधे श्री राधे श्री राधे। यही वाणी को विराम कीर्तन का समय यही हम वाणी को विराम दे रहे हैं और आप लोग आरती दो चार मिनट में ठाकुर जी की भागवती की कर लीजिए और सब समय से पांच से आठ आप लोग समय का ध्यान रखिए। आज थोड़ा विलम्ब हुआ था, कम दिन था, तो पांच से आठ का समय सबको सूचित करें। इस महायज्ञ का दर्शन और इस महायज्ञ का श्रवण करने और कराने का दोनों का ही लाभ आप लेके आएंगे। एक एक व्यक्ति किसी भक्त को तो उसके भी दशांश पुण्य फल से आपका फल प्राप्त होगा। तो आइए इस महायज्ञ का दर्शन, आइए हम लोग। कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो? आरती के लिए तीन लाइन लगा ले, एक श्री भागवत जी के आगे और दो लाइन में सभी आगे आरती करेंगे। श्री मां के बिहारी तेरी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 ॐ श्री राम।